Our love is strong as a lion, soft as the cotton you lie. Times we got hot like an iron, you and I. Our hearts had never been broken. We were so innocent, darling. We used to talk till the morning, you and I. You were my September song. तो गाइस थोड़ा सा पैकिंग जो होता है ना सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग वाली पैकिंग है वो होकर ही हो रही है और अभी हम लोग हो रहे हैं राइड के लिए रेडी। थोड़ा आवाज़ कम करेंगे बिकॉज अभी ऑलमोस्ट लाइक एक मिनट क्या टाइम हो रहा है। सो अभी ऑलमोस्ट टाइम इज़ लाइक 4:20 तो टाइम भी एकदम खतरनाक हो रखा है 4:20 ठीक है। तो अब हम लोग ये पैक करते हो और आपको मिलता हूँ सीधा नीचे। एक्साइटेड हूँ ठीक है बस आने वाला है आज बल्ले बल्ले। सो बाइक देख लो कैसी लग रही है। सही लग रही है। ये अपने अनिल भाई है जो हमको ड्रॉप करने आए हैं यहाँ तक। अभी फ़िलहाल यहाँ से निकलते हैं। चल सो जा भाई आराम से ठीक है। मैं फ़ोन करता हूँ तेरे को। तो अभी अपन इसको चालू करते हैं। अभी आपको लाइट शो दिखाता हूँ मैं अभी है ना। तो बाइक कुछ इस तरह लग रही है और अभी अपन सामने से आएंगे। जुपु 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 पहले तो एटीएम ढूंढना जाएगा। एटीएम कहाँ मिलेगा? एटीएम यहीं पे ढूंढ लेता हूँ गली में ही होगा एटीएम। उसके आगे तो यार ढूंढने में दिक्कत हो जाती है। सुबह सुबह उठने के बाद अभी भी ऐसा लग रहा है। ये देखो एटीएम दिख गया। तो भाई लोग ट्रिप मीटर कर दिया है जीरो। अब यहाँ से किलोमीटर्स दिखा रहा है 240। ये कुछ पटियाला मैंने अभी डाला है फिलहाल फॉर टाइम बीइंग बट लुधियाना ऑलमोस्ट 300 प्लस ही है। तो मज़ा आ रहा है। और अभी हम लोग यहाँ पे कहीं द्वारका में डाबरी मोड़ के तरफ कहीं जा रहे हैं अभी फ़िलहाल। और लेट्स सी अभी हम लोग यहाँ से थोड़ा बाहर निकल के आपसे मैं बात करता हूँ बिकॉज अभी यहाँ पे तो उतना कुछ है नहीं दिखाने के लिए और अंधेरा भी है। थोड़ा डेलाइट होने देता हूँ और ज़रा उजाला किया जाए। ये देखो ये स्टॉक हेडलाइट्स थी मेरी ठीक है। ये मेरी स्टॉक हेडलाइट्स है लोअर पे और ये मैंने डाला अपना क्या बोलते हैं इसको बाहर डिजाइन्स का प्रोजेक्टर लाइट्स। एकदम ऐसा लग रहा है भाई अभी फुल उजाला कर दिया कहीं से। फाइनली हम लोग आ चुके हैं हाईवे के ऊपर प्रॉपर। ये अपना फोर लेन हाईवे है और क्या प्यारी रोड है। मैं अभी ज़्यादा भगा नहीं रहा हूँ 50-60 का स्पीड मेंटेन रख रहा हूँ 60-80 का बिकॉज सीन कैसा है अपने को अभी रास्ता पता नहीं है। तो अपन आराम से जा रहे हैं और अभी सुबह का टाइम है इसलिए थोड़ा आराम से चल रहे हैं बिकॉज यहाँ पे अचानक रोड के बीच में बहुत कुछ गिरा हुआ है तो उससे कुछ
दिक्कत ना हो इसलिए धीरे धीरे चल रहे हैं अभी फिलहाल। हम लोग 151 किलोमीटर दिखा रहा है, पटियाला से दूर है हम लोग अभी, तो इसमें तो गूगल मैप के हिसाब से बता रहा है कि 3 घंटे और लगेंगे। VSK biker, VSK, you can see here, it is written out over here, VSK biker. तो भाई लोग अभी हम लोग यहाँ पे एक टोल प्लाजा के आगे रुके हुए हैं। अभी आप लोग जैसे कि पीछे देख रहे हो, ये इंस्टा 360 यहाँ पे माउंट कर दिया है और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि लाइक कैसा रिकॉर्डिंग आने वाला है। सो लेट्स सी, आएगा मज़ा। चीयर्स, अब करते हैं थोड़ा सा राइड। तो अभी हम लोग यहाँ पे समवेयर बिफोर पटियाला 120-130 किलोमीटर्स रह गए और अभी मैंने यहाँ पे बाइक जस्ट रुकाया थोड़ा इसका माउंट चेंज करने के लिए। तो अभी पहले जो यहाँ था उसको मैंने यहाँ कर दिया और बाकी अभी फ़िलहाल तो सब शॉर्ट लग रहा है और राइड भी एकदम स्मूथ चल रही है। अभी ये लोकेशन पे रुकाने का रीज़न ये था कि मस्त एकदम ग्रीन लग रहा है, ठीक है, और यहाँ पे बाइक भी एकदम सेक्सी लग रही है। तो गाइस सीन अभी ऐसा है कि लाइक मैंने थोड़े अच्छे खासे फ़ोटोज़ खींच लिए बाइक के साथ और अपने साथ, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि लाइक यहाँ से अभी जो भी नियरेस्ट रेस्टोरेंट रहेगा वहाँ पे कुछ खाएंगे, बिकॉज बहुत टाइम हो गया कुछ खाया नहीं है। तो अभी यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक लगा है बट अपनी बाइक यहाँ से जा नहीं सकती यार, साइड से निकालने की कोशिश नहीं कर सकते। और अभी मैंने अपना गूगल लोकेशन चालू किया तो मुझे अभी पता चल रहा है लुधियाना इज़, क्योंकि मुझे जाना लुधियाना है, सो इट्स अराउंड 202 किलोमीटर्स विच इज़ 3.5 आवर्स फ्रॉम हियर, मतलब 12 बजे तक पहुंचने का इसमें गूगल मैप के हिसाब से बता रहा है। बट आई थिंक सो मुझे उससे ज़्यादा लगेगा बिकॉज अभी मेरे को भूख लगी है, मैंने कुछ खाया नहीं है, मैं सिर्फ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ खींचने में लगा हुआ हूँ आज। तो लेट्स सी, कोई अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढ के खाता हूँ। तो अभी फाइनली ब्रेकफास्ट ब्रेक ले लिया है, ये कोई रेस्टोरेंट है झिलमिल शेरे पंजाब ढाबा। तो अभी हम लोग पहले तो चाय मंगाइए और क्या बोलते हैं इसको, पनीर पराठे मंगाए, पंजाब में आके पराठे नहीं खाए तो क्या खाए हैं कि नाश्ते में। तो अभी थोड़ा चाय ब्रेक के बाद मिलता हूँ। गाइस पराठे आ चुके हैं और अब पराठे के साथ चाय का मज़ा आएगा। इसमें क्या लगा हुआ है, बाल लगा हुआ है क्या?
मस्त है भाई, चाय मस्त है। जरा पराठे टेस्ट करके बताता हूँ कि कैसे हैं। बेसिकली पनीर का जो स्टफिंग है वो बहुत ज़्यादा है, तो अच्छा तो होना ही है। गाइस अभी खाने का ब्रेक तो हो गया है, अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और ये होटल का खाना अच्छा था यार, झिलमिल शेरे पंजाब ढाबा। नहीं, ऑन द रूट पे था ये, अब निकलते। तो अभी सीन ऐसा है गाइस, थोड़ा एकदम बोलते ना सुस्ती वाली फीलिंग आ रही है, बिकॉज अकेले चला रहा था और अभी ऑलमोस्ट लाइक 84 किलोमीटर्स बचे हुए हैं, ठीक है, और अभी ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा आराम आराम से चल रहा हूँ। फिलहाल मेरे को पानी का ब्रेक लेना था, बहुत प्यास लगी और थोड़ा धूप अब इरिटेट कर रही है। ऑलमोस्ट लाइक 10 बज गया है, प्रोबेबली 11:30 बजे तक मैं पहुंच जाऊंगा वहां पे। तो अभी थोड़ा पानी ब्रेक, ये लो पानी पियो गाइस, बिस्लरी का नया पैकेजिंग। जो सुकून मिला ना भाई पानी पी के, मिलता हूँ मैं आपको पानी ब्रेक के बाद। आपका कैमरा थोड़ा खराब हो गया है शायद से, फोटो बहुत ब्लरी आया। थैंक यू सर, इतनी मेहरबानी है। हाँ, भगवान आपको तरक्की दे। शुक्रिया सर, शुक्रिया। आप यहाँ से हो? हाँ जी। अच्छा, और कोई चाय पानी, कोई ठंडा गरम? मैं जा रहा हूँ अभी। हाँ बजे, मैं इसलिए स्लो डाउन हो गया, मैं आपके जस्ट पीछे था। अच्छा, जाओ देखो ऐसे कमाई आता गाड़ी, क्या कर सकते सर। वो हटा ही नहीं रास्ते से, वही तो बात है। तो अभी क्या हुआ बताया नहीं गाइस, ये कार वाले भैया जा रहे थे, ट्रक वाले भैया कुछ जगह ही नहीं दिए और दबा दिए, और उसके जो पीछे वाला डोर है उस पर पूरा स्क्रीच करते हुए पूरा स्क्रैच मार दिए। अभी वो बोल रहे थे अभी पकड़ता हूँ उसको आगे, बट जिसने मारना था उसने तो मार दिया भाई, आपकी नई नवेली गाड़ी नहीं बचा दी। तो थोड़ा संभल के चलाइएगा, यही अपना सजेशन रहेगा सबके लिए, यहाँ से मेरा घर है कुछ 4 किलोमीटर दूर, तो
आई होप गाइस आपको ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अब राइड वाले ब्लॉग्स आएंगे कुछ, तो प्लीज़ ज़रूर देखना। आई होप आप लोगों को मज़ा आएगा देखने में। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय गाइस।